जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सभी लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आपका एक यूट्यूब चैनल, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके सामने ऐसी दिक्कत जरूर आती होगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप बात करने वाला हूँ, आज मेरी एक वीडियो है जो मैं अपलोड करती थी उसमें एक एज रिस्ट्रिक्शन आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ तो बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो न्यू न्यू यूट्यूबर हैं, तो करते हैं क्या, वो एज रिस्ट्रिक्शन को देख के घबरा जाते हैं और करते क्या, आखिर में अपनी वीडियो को डिलीट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं इसका हल बताऊँगा कि ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना है, और ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर दे। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल तरंगी टेक्निक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आपको ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड करी थी जिसका नाम है, टाइटल है अपना जॉब एप्लीकेशन कैसे यूज़ करें। तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में मैंने ना ही कोई अश्लील शब्द का प्रयोग किया, ना मैं कोई गाली गलौज का यूज़ किया है। यहाँ पे दोस्तों हुआ क्या, मैंने अपलोड करी, वैसे ही मैंने देखा यहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो 18+ ओनली के लिए, यानी कि जो 18 साल से ऊपर हैं वही इस वीडियो को देख सकते हैं, जो माइनर हैं इस वीडियो को बिल्कुल भी वॉच नहीं कर सकते जब तक उनका जीमेल पर अकाउंट ना बना हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सिंपली से बताऊँ तो आपको करना क्या है, इस वीडियो पर आपको कुछ नहीं करना, ना ही आपको यूट्यूब आप स्टूडियो कुछ नहीं करना। सिंपली से आपको करना क्या है, जो भी आपका जीमेल है, जीमेल का एप्लीकेशन जो है उसको आपको ओपन कर लेना है, उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपको ओपन कर लेना है जिसमें आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बात करता हूँ, यहाँ आपको आपको यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से एक मेल आया होगा, तो उस मेल को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपका चैनल का नाम होगा, उसके बाद दोस्तों जिस वीडियो में आपका एज रिस्ट्रिक्शन आया है उस वीडियो का टाइटल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा अपील हेयर, यानी कि आपको इस वीडियो पे अपील हेयर का एक मौका मिलता है, यानी कि आप उसमें बता सकते हैं कि मेरे यहाँ पे कोई गलती नहीं थी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे अपील हेयर है, जो हेयर का बटन यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट हो रखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको रिडायरेक्ट कर देगा यूट्यूब स्टूडियो में, एक नया पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आपके सामने अपील का एक फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो वीडियो आ जाएगी। लेकिन लेकिन दोस्तों आपको मैं बताऊँ, आप इस फॉर्म को भरने से पहले एक बार अपनी वीडियो को जरूर चेक कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आपकी कोई गलती है, रियली में अगर आपकी कोई गलती है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा, फालतू में अप्लाई मत कीजिएगा, ताकि आपके सामने कोई और परेशानी ना खड़ी हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप एक बार वीडियो को चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर आपके अपने टैग और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर एक आपको ब्लैंक बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक अपील लिख लेनी है कि एक लेटर टाइप में आप कुछ मैसेज लिख देना है यूट्यूब को कि ऐसे ऐसे डियर सर, कि मेरी इस वीडियो को जो आपने एज रिस्ट्रिक्शन में रखी है, इससे कोई भी किसी कंटेंट जो मैंने बनाया है, इससे भी किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं है, ना इसे कोई सांप्रदायिक दंगे फैल सकते हैं, कोई भी ऐसा मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, आपसे गलती से ऐसा ऐसा हो चुका है, आपको ऐसे ऐसे कुछ लिख देना है यहाँ पे। चाहे तो आप ये सेम मेरा कॉपी करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दोस्तों अपना गूगल ट्रांसलेट की मदद से खुद से भी बना दीजिएगा, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बढ़िया है, तो अगर खुद से बना दीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा। सब कुछ लिखने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको फाइनली सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है सबमिट हो चुका है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको 24 या 48 घंटे का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी जो है ये वीडियो एक बार दोबारा रीचेकिंग होगी, अगर आपकी कुछ गलती पाई जाती है तो उस पर आपको कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं होता तो दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके पास एक मैसेज आ जाएगा जी मेल पर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कोई गलती नहीं, गलती से ही यूट्यूब की तरफ से ऐसी हरकत हो चुकी थी। बाकी दोस्तों इस वीडियो को मैं जब भी अपलोड करूँगा, जब मेरा खुद का एज रजिस्ट्रेशन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तभी मैं इस वीडियो को जब ही अपलोड करूँगा, ताकि लाइव प्रूफ के लिए, क्योंकि मैं ऐसे कोई भी यहाँ पे फालतू कंटेंट अपने चैनल पे नहीं डालता बिना प्रूफ के। मिलता हूँ दोस्तों आपसे 24 घंटे या 48 घंटे के बाद। बाय बाय। दोस्तों मैंने कहा था कि मैं लाइव प्रूफ आपको दूंगा, तो यहाँ पे दोस्तों बात करता हूँ, मैंने जो अपनी वीडियो का पहला पार्ट एंड किया था वो 3:30 बजे किया था, तो उसके मात्र 1 मिनट बाद ही मेरे पास यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से एक मेल आया। तो उस मेल में यहाँ पे मैंने चेक किया, तो यहाँ से उन्होंने डिसीजन लिया कि उन्होंने मेरे जो यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन है वो यहाँ से रिमूव कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो मेल आया वो इस प्रकार है, तो यहाँ पे उस वीडियो का टाइटल है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि हमने आपकी जो वीडियो का रिव्यू है दोबारा किया, उसका देखा तो उसमें कोई भी ऐसी हेट वीडियो नहीं थी, ना कोई इसमें गाली गलौज थी, ना कोई इसमें अश्लील चीज़ ऐसी दिखाई गई थी जिससे कि कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट किया जा सके। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सब कुछ ऐसा लिखा आपको मिलेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रूफ के लिए एक और दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं आपका अपना यूट्यूब स्टूडियो दिखा देता हूँ। तो इससे पहले दोस्तों आपको दिख पा रहा हो, यहाँ पर एज रिस्ट्रिक्शन आ रहा था विजिबिलिटी में और रिस्ट्रिक्शन में भी, तो यहाँ पर अब शो नहीं हो रहा, यहाँ पर पब्लिक हो रहा है और रिस्ट्रिक्शन में यहाँ पर नन शो हो रहा है। आपके सामने यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ दे रहा हूँ दोस्तों।
तो दोस्तों बस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आप भी अपना एज रिस्ट्रिक्शन किसी भी एक वीडियो में आया हो तो आप हटाना सीख गए होंगे। अगर आप हटाना सीख गए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल तरंग की टैक्टिक्स पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल तरंग की टैक्टिक को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आपको ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाए।